हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत। यह है इलेक्ट्रिक ईवी LX-S। इसके ईएमआई के बारे में आपको कल बताऊंगा दोस्तों। आज मैं आपको इसके फीचर्स, इसके रेंज और इसके प्राइस बता देता हूं। जो इसका एक शोरूम प्राइस आपको है 91,253 रुपये, इंश्योरेंस 4,094 रुपये, ऑन रोड प्राइस आपको 95,347 रुपये देखने को मिल जाता है। और जो बात करें दोस्तों इसके फीचर्स की, तो इसमें जो इसका हेडलाइट है, आपको कुछ इस प्रकार से इसका हेडलाइट देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा है। और बात करें इसके टी लाइट की, तो इसमें आपको कुछ इस प्रकार से इसका टी लाइट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही है। और इसकी जो सीट है दोस्तों, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग इसका सीट देखने को मिल जाता है। काफ़ी डिफरेंस इसका सीट है, जो कि दो कलर में आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। हर कलर में आपको दो कलर देखने को मिलेगा सीट का। जो इसका टायर है, आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगे दोनों पहिए में। जो फ्रंट टायर है, इसमें भी आपको ड्रम ब्रेक, ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएंगे। जो इसका सस्पेंशन है, काफ़ी अच्छा सस्पेंशन, डुअल सस्पेंशन देखने को मिल जाता है दोनों में। इसका मॉडल नाम आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है, LX-S, जो कि काफ़ी अलग नाम है। इसका मिरर आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। बैक में आपको फाइबर देखने को मिलेगा। फ्रंट से आपको इसका व्यू और इंडिकेटर जो है बॉडी में ही देखने को मिल जाएगा। इसका जो फ्रंट व्हील है, आपको काफ़ी अच्छा है। इसका जो रेंज है, आपको 89 किलोमीटर देखने को मिल जाता है एक बार चार्ज करने पर। जो इसका फुट स्पेस है, बहुत अच्छा और लंबा देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा फुट स्पेस में आपको मिल जाता है। जो इसका बैटरी कैपेसिटी की बात करें, तो आपको 48 वाट देखने को मिल जाते हैं, 14 Ah देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम स्पीड इसका जो है, आपको 50 किलोमीटर पर आवर देखने को मिल जाता है। इसका मेन स्टैंड जो है, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके जो बात करें दोस्तों, चलिए इसके कलर के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। इसमें आपको एक ब्लू कलर देखने को मिल जाता है और एक व्हाइट कलर देखने को मिल जाता है, और इसमें एक आपको रेड देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अलग है और रंगीन कलर है। इसमें आपको एक ऑरेंज देखने को मिल जाता है और एक ग्रीन देखने को मिल जाएगा, जो कि इसमें आपको काफ़ी मल्टीपल कलर देखने को मिल जाते हैं। एक आपको डार्क ब्लू देखने को मिल जाएगा ग्रे के कॉम्बिनेशन में। इसका जो चार्जिंग टाइम है, आपको 2 से 3 घंटे में आपको फुल चार्ज कर देगी। मोटर इसमें आपको BLDC देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।